नमस्कार दोस्तों, पैसे की चिंता हर किसी को सताती है और मरते दम तक सताती है। कुछ लोगों के पास इस कदर पैसे की भरमार होती है कि वो पैसे से खेलते हैं, तो कुछ लोग बेचारे दूसरों से पैसे मांगकर या कड़ी मेहनत करके पाई पाई जोड़ते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो आपको चौंका देगा। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति ग्रंथ में मनुष्य की कई नीतियों का उल्लेख किया, जिनका अनुसरण करने से जीवन सुखमय हो जाता है। वो एक श्लोक के माध्यम से ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जो कभी धनवान नहीं हो सकते। आइए जानते हैं इन छह तरह के लोगों के बारे में। कुच्चालिनम दंत मलोपधारिणम भविष्यनम निष्ठुर भाषिणम चा सूर्योदय चास्तमिति श्यानम विमुंचत यसरियदि चक्रपाणि। गंदे कपड़े पहनने वाले व्यक्ति के पास लक्ष्मी कभी नहीं आती। जो लोग हमेशा गंदगी में रहते हों, आसपास साफ सफाई न रखते हों, उन पर धन लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। साथ ही उन्हें समाज भी पसंद नहीं करता और वो हर तरह से निरादर का सामना करते हैं। इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान दांतों की सफाई नहीं रखता, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। लक्ष्मी उन्हें त्याग देती है। वहीं रोजाना तौर पर दांतों की सफाई करने वाले व्यक्ति पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा चाणक्य के मुताबिक भूख से ज्यादा खाने वाला व्यक्ति कभी धनवान नहीं हो सकता। दरिद्रता मनुष्य को गरीबी में झोंक देती है। साथ ही जरूरत से ज्यादा खाना खाने वाले व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रहते। कड़वे वचन बोलने वाले लोग कभी अमीर नहीं हो सकते। चाणक्य कहते हैं कि वाणी से दूसरों के मन को आहत करने वालों पर लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, ना ही उनके मित्र बन पाते हैं। ऐसे लोग दुश्मनों से घिरे होते हैं। सुबह से शाम तक सोने वाला व्यक्ति भी कभी धनवान नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं कि सूर्योदय से सूर्यास्त के समय तक नींद में रहने वाले व्यक्ति पर लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। बिना कारण के सोना मनुष्य के लिए हानिकारक है। अन्याय, धूर्तता अथवा बेईमानी से पैसा कमाने वाले लोग ज्यादा दिन तक अमीर नहीं रहते, वो जल्द ही अपना पैसा खो बैठते हैं। इसके अलावा चाणक्य ने कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो अगर आपके आसपास भी भटकते हैं तो कभी भी आप बर्बाद हो सकते हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक दुर्जन व्यक्ति की संगत आपके जीवन को तबाह कर सकती है। चाणक्य इन्हें सांप से भी ज्यादा खतरनाक बताते हैं। वो कहते हैं कि सांप मरने के बाद काटता है, लेकिन ऐसे लोग मौके की तलाश में होते हैं और मौका देखते ही आप पर हमला बोलते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का साथ नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति का साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिसमें बुद्धि नहीं होती वो पशु के समान होता है। ऐसे साथी हमेशा संकट खड़ा करने में माहिर होते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। इसके अलावा चाणक्य कहते हैं कि लालची व्यक्ति का साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपने सुख के लिए आपको किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी में डाल सकता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि दोस्त हमेशा अपने समान और संतुष्ट व्यक्ति को ही बनाना चाहिए। तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।